एक घंटे में दोस्तों जो इससे बड़े वाली है वो निकालती है पूरी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये 616 के नहीं होंगे। वो कहाँ कहाँ पे गए आप? शामली गया, मुजफ्फरनगर गया। अच्छा, 1000 का फर्क पाया रेट में शामली में। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इस ट्रैक्टर में आपको अगर दिक्कत ज़्यादा पड़ी है तो पूरी की पूरी जो मशीन आपकी है वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये है पम्मी का मल्टी क्रॉप थ्रेसर और ये है न्यूलैंड 3600 हेरिटेज एडिशन। और ये जो किसान भाई है इन्होंने दोस्तों ट्रैक्टर जो है अभी लिया है 5-6 दिन पहले और मशीन ये आज लेकर जा रहे हैं। नया ट्रैक्टर लिया है और नई मशीन ली है। 47 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों ये 3600। और आज की वीडियो में दोस्तों आपको इस मशीन का पूरा टेक्निकल डेटा बताऊँगा, इसका प्राइस भी बताऊँगा। दो मॉडल आते हैं पम्मी में और बाकी जो ये किसान है ना इनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मशीन दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जो है ना अब सीजन स्टार्ट हो गया है थोड़े दिन बाद ये मान लो। तो इसमें अगर टायर देखो तो टायर जो है इसमें 616 के है दोस्तों, जो ट्रैक्टर में आते हैं ना फ्रंट टायर 616। उसके बाद में दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दूँगा दोस्तों, यहाँ का डीलर का जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा। ये तो दोस्तों कंपनी का नंबर है, बीर सिंह एंड सन्स पम्मी। दो मॉडल है दोस्तों इसमें। इस पे यहाँ पे देखिए पम्मी की जो है बैजिंग हो रही है, काफी अच्छी लग रही है देखने में। इसमें दोस्तों एलिवेटर भी मिला आपको, ये जो है ना फ्रंट में लग रहा ये आपको एलिवेटर इसके अंदर मिलता है। पूरा कंप्लीट जैसी मशीन खड़ी है फिलहाल, पूरी रेडी है दोस्तों ये। और यहाँ पे देखो इसमें ये दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन प्लेट है, देखो बीर सिंह एंड सन्स चंडीगढ़ रोड समराला डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। प्रोडक्ट थ्रेसर मेक पम्मी और मॉडल है दोस्तों ये MC थ्रेसर और 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है, अभी मतलब बिल्कुल नया ही है। उसके बाद में दोस्तों ये सीरियल नंबर हो गया, टाइप हो गया और आपका साइज जो है देखो यहाँ पे 32 इंच है। इसमें दोस्तों इससे भी बड़ी आती है एक 40 इंच की और इसका जो वजन है मशीन का वो है 1100 kg अप्रोक्स, मतलब 11 क्विंटल। और इसे चलाने के लिए जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा 35 एंड अबो, मतलब मिनिमम 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपके पास होना चाहिए इसे चलाने के लिए या उससे ज़्यादा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सेटिंग दे रखी है जो आपका बुश है ना उससे आप मोटा बारीक कर सकते हो। और पूरा मेंशन कर रखा मतलब अगर इसे इस साइड को घुमाओगे ये पकड़ेगा ना, आप इधर घुमाओगे तो बारीक हो जाएगा और इधर घुमाओगे तो भूस आपका मोटा हो जाएगा। अच्छा एक दोस्तों इन्होंने यहाँ पे ये भी दे रखी है, इसे खोल कर आप ये देखिए, बाकी जो है यहाँ पे देखिए मतलब ये बेल्टों के बारे में जानकारी दे रखी, जो फैन बेल्ट है ना काफ़ी बेल्ट लगी हुई है, फैन एक है छलने की ऐसा बोलते हैं दोस्तों, छलना छलने वाली बेल्ट और मेन पुली। तो ये बाकी सभी जो है डिटेल कंपनी ने यहाँ पे मेंशन की है। और आगे से देख सकते हो यहाँ पे भी जो है पम्मी की ब्रांडिंग हो रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों देखने में, बहुत ही सुंदर। और चलिए एक बार जो है ना ये फार्मर इनसे बात करते हैं। तो ये जो है दोस्तों ओनर है, एक तो अपना नाम बताओ जी। सजिंदर कुमार। थोड़ा जोर से क्या? सजिंदर कुमार। तो ये ट्रैक्टर आपने कितने दिन पहले लिया? 10 दिन पहले। 8-10 दिन पहले। अच्छा, इसकी दोस्तों उस दिन आ नहीं पाया था मैं जिस दिन डिलीवरी हुई थी। और ये जो मशीन लीजिए ये आज आप लेकर जा रहे हो? अच्छा जी, तो एक बात तो बताओ मतलब जैसे आपने ट्रैक्टर लिया 47 HP का ट्रैक्टर है, खूबी क्या लगी आपको, मतलब ट्रैक्टर कैसा है आपके साथ? अच्छा, और डीलर का व्यवहार कैसा है? जो डीलर सही है जी, व्यवहार बिल्कुल। अच्छा, और जैसे कि मशीन लेकर जा रहे हो ये मशीन कितने की पड़ी आपको? 2,10,000 की पड़ी। 2,10,000 रुपए की। अच्छा, और एक बात और बताओ आप मुझे, मतलब आपने ट्रैक्टर जैसे आप बता रहे थे कि काफी जगह घूमे हो, कहाँ कहाँ पे गए आप? शामली गया, मुजफ्फरनगर गया। अच्छा, 30,000 का फर्क पाया रेट में शामली में। 30,000 रुपए का अंतर। तो ये जो मतलब डीलर है इन्होंने आपको सस्ता दिया 30,000 रुपए।
तो दोस्तों ये देखो, मतलब ये जो फार्मर है बता रहे हैं कि 30,000 रुपये का डिफरेंस मिला शामली में और मुजफ्फरनगर में, इसलिए उन्होंने फिर आके यहाँ से ट्रैक्टर लिया है जी? जी तो ठीक है जी, आपसे बस ये जानकारी चाहिए थी। इनका दोस्तों जो है कॉल आ गया, तो आपको एक बार दिखाता हूँ दोस्तों ट्रैक्टर। ट्रैक्टर दोस्तों इसमें आपको 14 के पिछले टायर मिलते हैं, 14 9 28। फ्रंट टायर दोस्तों ये 616 के नहीं है, ये दोस्तों देखने में ऐसे लगते हैं और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये 616 के नहीं होंगे। ये देखिए 650-16 के टायर है दोस्तों इसमें, मतलब 616 और 750-16 के बीच का ये साइज है। बाकी 47 HP की ये देखिए यहाँ पे बैजिंग हो रही है, पावर स्टेयरिंग की बैजिंग है, न्यूलैंड 3600 TX+ हेरिटेज एडिशन। और दोस्तों इसकी वीडियो जो है ना पहले भी डाल रखी, इसके अंदर मतलब आपको PTO के बहुत ऑप्शन मिलेंगे, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। सॉफ्टटेक क्लच, कॉन्स्टेंट मेस जो है दोस्तों गियरबॉक्स दे रखा है इसके अंदर, और जो है प्लेनेटरी ड्राइव, EPI रिडक्शन मिलती है आपको इसके अंदर। और ये देखिए 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, ये हाई लो में है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस ट्रैक्टर में आपको डबल क्लच मिलता है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो मतलब ये कंपेयर करते हैं इसे महिंद्रा 575 XP+ से, और ये देखिए इसका जो पावर स्टीयरिंग है, मतलब पहला ट्रैक्टर देखा है दोस्तों ये जिसका पावर स्टीयरिंग अगली साइड में है, ज़्यादातर पीछे होता है लेकिन आगे दे रखा है यहाँ पर न्यूलैंड ने। और इधर से देख सकते हो 3 सिलेंडर बोस का इनलाइन पंप आपको इसके अंदर मिलता है, और फाइबर का जो है इसमें फ्यूल टैंक भी लगा। फाइबर का दोस्तों ज़्यादा बढ़िया रहता है, ये मेटल का नहीं है जैसा और ट्रैक्टरों में मेटल के आते हैं ना, पानी नहीं बन पाता इनके अंदर। ये होगा यहाँ पे इसका डबल क्लच, और ये एप्ट्रा PTO लिखा है दोस्तों। PTO की वीडियो आप ज़रूर देखना, इसके अंदर आपको ग्राउंड स्पीड PTO, मल्टी स्पीड PTO, रिवर्स PTO और 540 लाइव PTO और 540 इकोनॉमी PTO, सभी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। और कंपनी की तरफ से देखिए वेट भी मिल रहा है आपको यहाँ पे, दोनों साइड में 32 किलो की प्लेट है, 64 किलो वजन आपको कंपनी की तरफ से मिलता है। और ये देखिए 2 DCV हैं इसके अंदर, ये मिल रहे हैं आपको, लिप्टोमेटिक बटन है। तो बाकी दोस्तों इसकी एक अलग वीडियो आएगी जो इसका पूरा रिव्यू, पूरा टेक्निकल डेटा दोस्तों आपको उसमें बताऊंगा। ये देख सकते हो आप EPI रिडक्शन। अब दोस्तों अगर आपको मैं बताऊं, ये जो मॉडल है जैसे कि आपने देखा 35 HP का ट्रैक्टर कम से कम होना चाहिए, और जो आप इससे बड़ी लिखते हो 40 इंची, तो साफ साफ मेंशन है डॉक्यूमेंट में कि आपका ट्रैक्टर 45 HP से ऊपर होना चाहिए। अगर आप इससे बड़ा मॉडल लेते हो तो मिनिमम 45 HP ट्रैक्टर की होनी चाहिए। 2 ब्लोअर मिलेंगे दोस्तों ये जो है आपको दोनों मशीनों में, उसमें भी 2 ही है इसमें भी 2 ही है। और एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों आपको, मतलब कि जैसा कि मशीन खड़ी है और जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, 1 घंटे में दोस्तों जो इससे बड़े वाली है वो निकालती है पूरी 1 एकड़, जो जैसा कि मेंशन किया है दोस्तों वही बता रहा हूँ, वर्किंग कैपेसिटी लिख रखा है इन्होंने डॉक्यूमेंट में। जो ये मशीन है, ये मॉडल देख रहे हो, इसका है दोस्तों 0.75 1 घंटे में, मतलब कि 0.25 एकड़। और जो इससे बड़ी है दोस्तों उसका है पूरा 1 एकड़ 1 घंटे में। इसकी जो गारंटी है मशीन की वो है पूरे 1 सीजन की। अगर 1 सीजन के अंदर आपकी मशीन में कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी मशीन जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में ठीक होगी। अगर दिक्कत ज़्यादा बड़ी है तो पूरी की पूरी जो मशीन आपकी है वो चेंज हो जाएगी, अगर ज़्यादा बड़ी दिक्कत है तो, नहीं तो दोस्तों रिपेयर हो जाएगी फ्री में, 1 सीजन की पूरी गारंटी है अगर कुछ भी दिक्कत मशीन के अंदर आती है। बाकी इसमें दूसरा मॉडल जो है 40 इंची है, उसका प्राइस है 2,35,000 रुपये, और ये जो मॉडल आप देख रहे हो इसका प्राइस है दोस्तों 2,10,000 रुपये, 30,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे अगर आप उस मॉडल पे शिफ्ट होते हो। बाकी ये दोस्तों गंगोगी एजेंसी है, और डीलर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो ये थी जानकारी आपके लिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, धन्यवाद।